रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्र संगठन के छात्रों के बीच में विद्यालय परिसर में महापुरुषों की तस्वीरें हटाने को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक महाविद्यालय के छात्रों के आपसी झगड़े में एक छात्र घायल हो गया, जिसे आलोट चिकित्सालय ले जाया गया। पुलिस के साथ भी हुई धक्का मुक्की, जिसके पश्चात दोनों ही छात्र संगठन एक दूसरे के ऊपर आरोप को लेकर पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे, जहां पर फिर से दोनों ही संगठन के छात्रों के बीच में फिर कहासुनी हो गई, जिसके पश्चात पुलिस थाने पर ही दोनों संगठनों के छात्रों को अलग अलग कमरे में बिठाकर रिपोर्ट दर्ज की गई। मारपीट के CCTV फुटेज भी पुलिस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। रतलाम से राहुल बिरागी की रिपोर्ट। तस्वीरों को लेकर तो ये समय करीब 11 या 11:30 बजे के आसपास दिलीप लोढ़िया जी का फोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैडम तस्वीरें हटना नहीं चाहिए। फिर माहौल हो सकता सुबह से बन रहा जो भी हो। ये कितने दिनों से चल रही प्रक्रिया तस्वीर हटाने की मैडम? तस्वीर हटाने की तो करीब 8-10 दिन से चल रही है। इसको लेकर अगर आपको लगता था कि यहाँ छात्रों में विवाद हो सकता है, इसके संबंधित आपने थाना प्रभारी या किसी से चर्चा करी इस मामले में? आपने करी थी चर्चा नहीं। क्या रिस्पांस रहा उनकी ओर से? रिस्पांस रहा मतलब उन्होंने आश्वासन दिया था मुझे जी, लेकिन दोनों की पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। किन किन छात्र संगठनों या छात्रों के बीच में विवाद हुआ है विद्यालय परिसर में? सर मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकती हूँ। कुछ तो याद होगा आपको, अगर आपके थाना परिसर आपके रहने के उपरांत यहाँ पे विवाद हुआ है और छात्र भी यहीं के हैं। यहीं के थे महाविद्यालय के छात्र या बाहरी को छात्र? बाहर के भी थे। बाहर के चेहरे तो मैं जानती नहीं, ऐसे चेहरे भी थे यहाँ पर। और दिलीप जी लोढ़िया, भरावा जी मतलब ये परोक्ष भरावा ये थे। फिर एक भैसोटा करके एक लड़का है वो था। ये कौन से संगठन से थे? एबीपी या छात्र संघ? तस्वीर जो लगाई है उस मान से थी ये एबीपी के। अच्छा, इस जो धक्का मुक्की लड़ी झगड़ा हुआ इसमें कोई एक इंजर्ड भी हो गया एक छात्र, क्या नाम है उसका? सर वो स्थिति में नहीं देख पाई थी। था इनकी बढ़ती गुंडागर्दी। एक्चुअली जो कॉलेज चुनाव नज़दीक है, एडमिशन प्रक्रिया के लिए मैं कॉलेज में गया था। मैं निश्चय का नगर अध्यक्ष हूँ और मैं वहाँ बच्चों का एडमिशन करवा रहा था। उस समय वहाँ पर पूर्व जो वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो रह चुके हैं दिलीप सिंह जी लोढ़िया, और साथ में प्राचार्य से मिलने गया छात्रों की समस्या के लिए। तो दिलीप सिंह जी लोढ़िया और उनके साथ दो गुंडे वहाँ पर दारू पी के शराब पी के आए और वो उनके साथ एबीपी के नगर जो जिला संयोजक जो भी है पहले रह चुके हैं परोक्ष भरावा, राहुल सोलंकी और योगेश पोरवाल, ये सब थे वहाँ पर। इन्होंने हमसे गाली गलौज करी वहाँ पर, मैम से हुई हमारी बीच में उनसे कुछ आपसी वो हुआ, हमने भी कुछ बोला उनको। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे कुर्सी फेंकी। कहीं ना कहीं मामला इस प्रकार के बताया जा रहा है कि महापुरुषों की तस्वीरों को हटाने और लगाने को लेकर भी विवाद हुए हैं। नहीं, महापुरुषों की तस्वीरों का कोई मतलब नहीं है, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर है। वो तो बीच बचाव के चक्कर में उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए महापुरुषों को बीच में लाया जा रहा है। महापुरुषों का कोई भी इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है। हम वहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया के लिए गए थे, जैसे वहाँ पे अंदर गए वहाँ पे हमारे हाथापाई हुई। हाथापाई के चलते मेरे दिलीप सिंह लोढ़िया और राहुल सोलंकी से हाथापाई चल रहे थे। इतनी देर में योगेश पोरवाल ने दूर से मेरे ऊपर ईंट से प्रहार किया, जिसकी वजह से मुझे सर पे चोट। आज दोपहर 2 बजे की घटना है, शासकीय महाविद्यालय आलोट में छात्रों के बीच आपस में विवाद हुआ है, जिसमें छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय में प्रवेश एवं महाविद्यालय के अंदर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को लेकर दो पक्ष के छात्रों के बीच विवाद हो गया था। छात्र महिपाल सिंह, पिता प्रतिपाल सिंह सोलंकी राजपूत, कुछ सिर में चोट होने से उसकी रिपोर्ट पर छात्र राहुल परोक्ष, योगेश पोरवाल, दिलीप सिंह लोढ़िया के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। दूसरी ओर से छात्र परोक्ष के लिखित शिकायत पर अन्य छात्र शिवराज, अमन, महिपाल सिंह, करण सिंह के विरुद्ध लिखित आवेदन पत्र लिया गया है, जो जांच में लिया जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जो फरियादी है महिपाल सिंह का, इसी आरोप कॉलेज का दोनों पक्ष के छात्रों के बारे में शासकीय महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त की जाएगी कि इनमें से कौन छात्र का विद्यार्थी वर्तमान में है और अन्य के बारे में इनकी शिक्षा के संबंध में जानकारी दी जाएगी कि कौन इस छात्र का, इस कॉलेज का छात्र है। सर कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि हमने इस स्थिति को बिगड़ते हुए पूर्व में भी थाना परिसर में सूचना या अवगत कराया, पुरुषों के चित्रों को लेकर आपसी विवाद चल रहे बच्चों के बीच में। नहीं, पूर्व में इस तरह कोई भी शिकायत कॉलेज प्रशासन की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है।